हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस, एयर वाटर एंड लैंड। पिछले वीडियो में हमने देखा था सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। ओके, अभी हम आगे का पार्ट देखेंगे। व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन द थ्री पिक्चर बिलो, मतलब ये तीनों पिक्चर दिए हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटी आपको दिखाई दे रही है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ये तीनों पिक्चर में देखो, पहले फर्स्ट पिक्चर में भी धुआं निकल रहा है, यहाँ पे भी धुआं निकल रहा है, और यहाँ पे भी क्या धुआं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या एयर पॉल्यूशन का पता चलता है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, ऑल अबो पिक्चर शेयर लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से स्मोक बाहर आ रहा है। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमोसफियर, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कंसिस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और ये जो धुआं है, ये डायरेक्ट मिक्स हो जाता है एटमोसफियर में, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एयर जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। हार्मफुल गैसेस आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इन बिग इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। एज अ रिजल्ट एयर पॉल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। अभी जो हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, व्हीकल्स हुआ, हम उड को भी फायर करते हैं, तो वो धुआं निकलता है, उससे भी क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अभी देखिए यहाँ पे, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन एयर थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जब हम हार्मफुल फ्यूल जलाते हैं, तब कौन कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है वो देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। सूट मीन्स क्या, जब आप किसी फ्यूल को जलाते हैं, तब लास्ट में जो राख, वो जो कालित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। अभी देखो, ओजन लेयर द प्रोटेक्टिव शेल। ओके, अभी देखो, देयर इज अ ओजन लेयर ऑफ ओजन O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। अभी ओजन लेयर कहाँ पे है, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, ओजन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग, एट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजन एट अ हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। हम ओजन एयर जो होती है, उसका डायरेक्ट हमें यूज नहीं होता, वो कहाँ पे हमें यूज करते हैं, द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, द ओजन गैस एब्सॉर्ब दीज रेज, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टिव। ओके, तो ये जो ओजन गैस होता है, वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है, वो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हमें जीवित रखने के लिए ओजन लेयर क्या है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी ये कैसे रिलीज हो, ओजन लेयर इज डिस्ट्रॉय इफ केमिकल गैसेस लाइक कार्बन ट्रेटोक्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मिक्स विद द एयर। ये जो ओजन लेयर है, वो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। कैसे होता है ये, जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में मिक्स होता है, तब ओजन लेयर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और ये एयर रिलीज कहाँ से होता है, जब हम एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं ना, तो उसमें से जो गैस निकलती वो एयर में मिक्स हो जाती है, और उससे क्या होता है, ओजन लेयर का नुकसान हो जाता है। फिर देखो लास्ट में, द 16th सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ओजन प्रोटेक्शन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजन। अभी 16 सितंबर को ओजन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है, सबको अवेयर करने के लिए, ओजन का इम्पोर्टेंट बताने के लिए ये डे मनाया जाता है।